आप जानते हो आपके मोबाइल फ़ोन में फ्लाइट मोड क्यों होता है? अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी जानना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी के न्यू एपिसोड में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, फ्लाइट मोड बेसिकली एक हर एक स्मार्टफोन में होता है और लैपटॉप में भी ये फ्लाइट मोड होता है। तो बेसिकली अगर जब हम फ्लाइट मोड ऑन करते हैं तो आपका ब्लूटूथ, वाईफाई और आपका जीपीएस, ये सब तीनों चीज़ बंद हो जाती है। बेसिकली आप इसे सेटिंग में जाके भी ऑन कर सकते हो। तो हम जब फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो हमारे जो वहाँ पर कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड पे डाल लो। तो बेसिकली वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आपका फ़ोन फ्लाइट में होता है तो उधर कोई टावर नहीं होती जिसकी वजह से आपको नेटवर्क मिले। तो आपका जो फ़ोन होता है वो बूस्ट करता है, नेटवर्क बूस्ट करता है, जो सर्च करता है कि जो भी कोई आसपास नेटवर्क हो उसकी वजह से आपको नेटवर्क मिल सके। इसीलिए उसकी वजह से जो फ्लाइट के जो सेंसर होते हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है और उनकी वजह से आपका जो फ्लाइट है क्रैश भी हो सकता है। तो बेसिकली इसी के लिए ये फ्लाइट मोड के हर स्मार्टफोन में दिया हुआ है। तो इसका बस बेसिकली यही एक यूज़ है। तो आजकल देखता हूँ हर एक बंदा फ्लाइट मोड पर अपना डाल देता है, जब भी कहीं बाहर है फ्लाइट मोड पर डाल दो। तो बेसिकली इसका बस यही यूज़ है, ज़्यादा इसका कुछ यूज़ नहीं है। बस इसलिए क्योंकि आसमान में कोई टावर नहीं होता है जिसकी वजह से आपको कोई नेटवर्क मिले और आपका फ़ोन बूस्ट करता है, उसकी वजह से जो फ्लाइट के जो एरोप्लेन के जो सेंसर होते हैं, सिस्टम होते हैं, उनमें वो डिफेक्ट डालता है। तो इसीलिए हर फ्लाइट में आपको कहा जाता है कि आप अपने फ़ोन को या तो स्विच ऑफ कर लो या फ्लाइट मोड पर डाल लो। तो बेसिकली इसका कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं है, आप डाल लोगे फ्लाइट मोड पे, नहीं रखोगे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस कहने वाली बात है कि आपका एयरप्लेन क्रैश हो सकता है। तो बेसिकली ये इसका यही यूज़ है। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में कोई भी इशू है तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। We'll be right back.